फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम था कि 38th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है 18 दिसंबर को, जिसमें बहुत सारी अपेक्षाएं थीं। सबसे ज़्यादा अपेक्षा थी कि 36(4) में, जिसमें 20% ITC अधिक लेने के लिए बताया गया था, उसमें कुछ चेंज आने की उम्मीद थी। GSTR 9 के बारे में कुछ उम्मीदें थीं और कुछ लोगों को ये था कि शायद कुछ रेट चेंज किए जाएंगे, जिसके बारे में कल प्रेस रिलीज जारी हो गया है। तो आइए देखते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारे जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सकें। तो आइए देखते हैं प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। इन द 38th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल हेल्ड ऑन 18 दिसंबर 2019, the GST Council recommended the following. Grievance Redressal Committee GRC will be constituted at zonal state level with both CGST and SGST officers and including representatives of trade and industry and other GST stakeholders, जैसे कि GST practitioners and GST and ETC. These committees will address grievances of specific और जनरल नेचर ऑफ टैक्सपेयर्स एट द जोनल स्टेट लेवल, यानी जोनल और स्टेट लेवल पर एक ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि SGST और CGST के ऑफिसर्स भी शामिल किए जाएंगे और ट्रेड एंड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव शामिल किए जाएंगे, GST स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा और सबसे अच्छी बात कि अब की बार GST प्रैक्टिशनर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो अपनी रिकमेंडेशंस दे पाएंगे, जिससे एक अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी कुछ सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर पे, ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 टू बी एक्सटेंडेड टू 31st January 2020। इसका मतलब ये है कि GSTR 9 फाइन का अभी भी फाइनल फॉर्म नहीं आ पाया है, इसलिए उन्होंने 2017-18 के लिए डेट एक बार फिर से एक्सटेंड करते हुए 31 जनवरी 2020 कर दी है, लेकिन ये केवल 2017-18 के लिए है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग मेजर्स वुड बी टेकन टू इम्प्रूव फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1। नंबर वन दिया है, वेवर ऑफ लेट फी टू बी गिवन टू ऑल टैक्स पेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पेंडिंग फॉर्म GSTR 1 फ्रॉम July 2017 टू November 2019, इफ द सेम आर फाइल्ड बाई 10th January 2020। अब इसमें वेवर ऑफ लेट फीस के बारे में बताया है कि GSTR 1 जब से GST चालू हुआ है, GST फोर्स में आया है जुलाई 2017 से लेके नवंबर 2019 तक, कि अगर आपके GSTR 1 पेंडिंग हैं तो आप उन्हें 10 जनवरी 2020 से पहले अवश्य फाइल कर लें, क्योंकि इसके बाद संभावना ये लग रही है कि इस पे लेट फीस इम्पोज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो 10 जनवरी 2020 से पहले अवश्य फाइल कर लें। नेक्स्ट है, ई वे बिल फॉर टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फाइल्ड देयर फॉर्म GSTR 1 फॉर 2 टैक्स पीरियड शैल बी ब्लॉक्ड। अब इसमें इन्होंने बताया है कि अगर अभी तक केवल 3B के बारे में था कि 3B रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपका ई वे बिल ब्लॉक हो सकता है, अब उन्होंने यही चीज़ GSTR 1 पे लागू कर दी कि अगर आपके 2 टैक्स पीरियड तक GSTR 1 फाइल नहीं है तो आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अभी तक हम लोग केवल 3B में ध्यान देते थे, अब GSTR 1 पर भी ये बात ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रिसिपियंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवाइसेज और डेबिट नोट्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन हिज फॉर्म GSTR 2A शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवाइसेज और डेबिट नोट्स रिफ्लेक्टेड इन हिज फॉर्म GSTR 2A। अब इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जो 20% हमें अभी तक मिल रहा था, हो सकता है इसमें कुछ सुधार किया जाए, हमें पूरी मिल जाए या ये सेक्शन में ही कुछ चेंज किया जाए,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 20% की जगह पे अब हमें केवल एलिजिबल ITC का 10% ही मिलेगा, यानी जितनी की हमारी GSTR 2A में शो हो रही है उसका 10% और हम क्लेम कर पाएंगे, जो कि अभी तक हम 20% क्लेम कर पा रहे थे। यानी हमें इसमें और अधिक टैक्स जमा करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर हमारे बिल शो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है, टू चेक द मेजर मीन्स ऑफ फेक इनवाइसेज, सुटेबल एक्शन टू बी टेकन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सर्टन सिचुएशंस। यानी एक चेक सिस्टम भी वो लगाएंगे जिससे फेक इनवाइसेज को रोका जा सके। नेक्स्ट है, अ स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर टैक्स ऑफिसर्स वुड बी इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन केसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B रिटर्न्स। एक SOP सिस्टम भी लाने जा रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो अधिकारियों को दिया जाएगा जिससे वो एक्शन ले पाएंगे आपके नॉन फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B, ये सब चेक कर पाएंगे। तो इसको हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम टाइम से अपने रिटर्न फाइल करें, सही फाइल करें, क्योंकि अब अधिकारियों को मुझे लगता है कि और अधिक पावर मिलने वाली है जिससे अधिक से अधिक नोटिसें जनरेट होने की संभावना बनेगी, क्योंकि जब वो चेक कर पाएंगे तो नोटिस की संभावनाएँ भी अधिक बनने की है। नेक्स्ट है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GST रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019 टू बी एक्सटेंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फ्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये केवल ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है जिनकी नवंबर 2019 की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। द काउंसिल आल्सो अप्रूव्ड वेरियस लॉ अमेंडमेंट्स विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2020। तो लॉ अमेंडमेंट्स उन्हें बजट 2020 में लाने हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक चीज़ और बोली है, दिस नोट प्रेजेंट्स द डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल इन सिंपल लैंग्वेज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग विच वुड बी गिवन इफेक्ट थ्रू गजेट नोटिफिकेशन सर्कुलर विच एलोन सेल हैव फोर्स ऑफ लॉ। द सेम विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट एज स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन सर्कुलर। यानी अभी इन्होंने जनरल एक ये प्रेस रिलीज जारी किया है, इसके संबंधित नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किए जाएंगे जिसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है रेट के संबंध में, GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 18 दिसंबर 2019, इसमें इन्होंने क्या बोला, टू एग्जेम्प्ट अप फ्रंट अमाउंट पेएबल फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लॉट्स बाई एन एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। प्रेजेंटली द एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू एन एंटिटी हैविंग 50% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दिस चेंज शैल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020। यानी 2020 से इसको ये चेंज कर रहे हैं, जिसमें अभी 50% ओनरशिप में ये नियम लागू होता था, अब अगर गवर्नमेंट का 20% या उससे ज़्यादा है तो भी वही नियम लागू होने वाला है। नेक्स्ट है, टू लेवी ए सिंगल रेट ऑफ GST एट 28% ऑन बोथ स्टेट रन एंड स्टेट ऑथोराइज लॉटरी। दिस चेंज सेल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2020। यानी लॉटरी में एक यूनिफॉर्मिटी टैक्स लेकर के आ रहे हैं, यानी GST सभी जगह पे स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पे 28% ही लागू होगा, जो कि 1 मार्च 2020 से इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑल्सो कंसीडर द रेट ऑफ GST रेट ऑन ओवन एंड नॉन ओवन बैग्स एंड सैक्स ऑफ पॉलीथिलीन और पॉलीप्रोपलीन स्ट्रिप्स और द लाइक, वेदर और नॉट लेमिनेटेड ऑफ ए काइंड यूज फॉर पैकिंग ऑफ गुड्स एच सेशन कोड 3923/6305 इन व्यू ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव पोस्ट द चेंजेस रिकमेंडेड ऑन सच गुड्स इन लास्ट मीटिंग and recommended to raise the GST to a uniform rate of 18% from 12% on all such bags falling under HS 3923/6305, including flexible intermediate bulk containers FIBC. This change shall become effective from 1 January 2020. यानी इसमें रेट चेंज करने की संभावना है, 12% बीच में कर दिया गया था उसको फिर से 18% में लेकर के आने वाले हैं, और ये 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। तो ये थे कुछ चेंजेज जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसी हिसाब से हमें आगे के लिए कार्रवाई करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।